ये आ गया अपना सिग्नेचर ब्रिज गाइस। अब देखते हैं यहाँ पे हम पहले पहुँचे हैं या हमसे पहले भी कोई आया हुआ है। सो गाइस आ गए हैं भाई अपने राइडर। ओहो सो गाइस सारे के सारे राइडर आ गए हैं और एक बार फिर से हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है संडे राइड फिर से, तो भाई हम जा रहे हैं संडे राइड पे, लेकिन आज हम जा रहे हैं चार जगह। तो भाई पहले हम जाएंगे यहाँ से अपना सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद जाएंगे झंडे वालान, झंडे वालान से हम जाएंगे एम्बियंस मॉल, और एम्बियंस मॉल से जाएंगे हम एक जगह और जो मैं बताऊंगा नहीं, जो मैं वहीं जाके बताऊंगा आपको कि मुझे जाना कहाँ है। तो आज हमारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो बिल्कुल नया है, और देखते हैं आज वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वहाँ पर जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, और अपनी बाइक वहाँ पर रखी है, बिल्कुल भाई निकलते हैं। तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के पाँच बज गए तकरीबन, तो भाई पहले इसमें डलवाएंगे हम पेट्रोल, पेट्रोल डलवा के सीधे निकलेंगे हम सिग्नेचर ब्रिज। सो गाइस पेट्रोल हमने डलवा लिया है और तकरीबन हमारी रीडिंग है 9730 पे हमने डलवाया और टैंक करा लिया भाई फुल आज। इसके अंदर फुल आज क्या, हम तो हमेशा ही फुल कराते हैं। ओके भैया, तो भाई निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, बोले तो अपना सिग्नेचर ब्रिज। तो भाई सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं अभी, तो अभी तो भाई दिन निकला नहीं है सही से दिन नहीं निकला है भाई। देखते हैं वहाँ पे कितने राइडर अपना आस पहुँचते हैं। चलो जी चलो, फाइनली भाई हम पेट्रोल डलवा के अब निकल चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी हम पहुंचेंगे अपने सिग्नेचर ब्रिज पे और आराम से चलाएंगे, कोई ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे गाइस, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अयान बैठा है मेरे पीछे, तो संडे को हम एक ही बार, हाँ तो भाई हम संडे को एक ही बार राइड कर पाते हैं, बाकी हमें समय मिलता ही नहीं है गाइस कि हम कुछ कर पाएँ ज़्यादा। तो भाई यहाँ से फ्लाईओवर चढ़ाएंगे ऊपर और शास्त्री पार्क की तरफ मुड़ लेंगे। लाइट चेक कर सकते हो आप, देखो लाइट भी अभी जल रही है यार, जैकेट पहन के गर्मी लगती है ही, सर्दियों के लिए सही है भाई। गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, फाइव गियर के अंदर, ये फाइव गियर है, जितने का इस गियर डाल लेते हैं ना, मतलब हल्की स्पीड है, 55 की स्पीड है, फाइव गियर चल रही है, तो एवरेज भी अच्छी रहती है बाइक और स्मूथ भी चलती है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है और दिन निकल रहा है, उजाला हो रहा है गाइस हल्के हल्के, और थोड़ी देर बाद तो भाई फिर ट्रैफिक हो ही जाएगा, सब लोग अपने कामों पे लग जाएंगे, हम भी अपने काम पे ही हैं। Jack,
अरे भाई साहब मजा आ रहा है भाई। सुबह ही सुबह हम बाइक को ड्राइव करते हुए मजे लेते हुए भाई साहब जा रहे हैं। ये आगे अपना सिग्नेचर ब्रिज गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे हम पहले पहुंचे हैं या हमसे पहले भी कोई आया हुआ है। पाँच बजे का टाइम है बिल्कुल फुल एंड फाइनल, तो भाई पाँच तकरीबन बजी गए हैं। देखते हैं कहाँ पे है वो, उस साइड में है या इसी साइड में है। तो लग रहा है अभी तो कोई आया भी नहीं गाइस, अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे यार। और अपने सिग्नेचर ब्रिज के दर्शन देख लो जी। अभी पता नहीं। और ब्रो बढ़िया, और सर बढ़िया। तो गाइस आ गए हैं भाई अपने राइडर। ओहो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगा भाई लगा। और मोनू भाई बढ़िया सब। अभी तो शिवम भाई का पता नहीं। गाइस आ गए हैं देखो अपने तीन राइडर, एक अपने सामने एमटी खड़ी है, एक मोनू भाई की खड़ी है भाई साहब एनएस, और ये कौन सी है भाई, अच्छा ये तो सीडी 110 है भाई। कोई बात नहीं भाई, जज्बा होना चाहिए भाई। सो गाइस सारे के सारे राइडर आ गए हैं और एक बार फिर से हमारा राइडिंग का माहौल तैयार हो चुका है भाई साहब। पूरा का पूरा काफला यहाँ पे खड़ा हुआ है और सब अपनी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। जैसे कि भाई सारे के सारे लोग हैं तो सबके तो नाम मैं जानते नहीं फिलहाल, वो है अपने शिवम भाई और इनका नाम मुझे ध्यान तो यार पता नहीं, अभिषेक हैं। तो भाई नाम तो बाद में इनके याद करेंगे, फिलहाल तो अपनी बाइकें देख लेते हैं भाई। ये अपनी NS 200, तो भाई ये तो सब जानते ही हैं कैसी चलती है, तो इसका जो है पूरी जन्म कुंडली बताने का कोई मतलब है नहीं। और भाई अपनी R15V3, तो ये शिवम भाई की है। और ये अपनी बेहतरीन वाली प्यारी सी भाई साहब V3, और बहुत ही ज़्यादा सुपर लगती है, इसका तो जवाब ही नहीं। इतनी बाइकों के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है अपने मोनू भाई की NS 200 है भी, और भाई ये 110 वाला बंदा भी आया हुआ है एक। तो कोई नहीं भाई, जज्बा होना चाहिए गाड़ी से, क्या लेना देना। तो भाई बहुत बढ़िया है भी अपना होंडा। उसके अलावा MT भाई, MT भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा भाई आ जाओ, ये तो पिछली बार मैंने RC 200 ट्राई करी थी तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही थी, और ब्रेकिंग इसकी बहुत बढ़िया है। क्योंकि यार मेरे सामने अचानक एक गाड़ी आ गई थी, तो जब मैं चला रहा था तो मैंने इसको कंट्रोल करी, तो कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। तो भाई साहब ये है आज की राइडिंग करने का आगाज़। तो अभी सिर्फ एक बंदा रह गया, कुलदीप वाइट कलर की, उसके पास है अपना R15। तो R15 वो भाई चलाता है, सही लगता है, बढ़िया लगता है वो भी। और R15 अभी 4 है उस पर, हमारे पे तो 3 है, उसके बाद 4 है। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा औसम, तो भाई बिल्कुल रेडी है, उसके आते ही हम यहाँ से निकल लेंगे अपना झंडे वालान पे एक दो राइडर और लेंगे, और उसके बाद ही हम वहाँ से आगे एम्बियंस मॉल जाएंगे। तो भाई चलते हैं, लेट्स गो। लेकिन उससे पहले वो बंदा आ जाए तो आ जाए यार, ये बंदा हमेशा ही लेट करता है। तो भाई ये जितने भी अपने सारे के सारे राइडर खड़े हैं उनको रेडी के लिए, और मोनू भाई अपना हंसी मजाक करते हुए सही है। तो
तो भाई हमारे आज के लीडर अपना शिवम भाई हैं भाई। हाँ थैंक यू सो मच इसके लिए, और बड़ा बड़ से बाइकर बुल्स की फैमिली को आगे लेके जाओ और एक टॉप लेवल को बना दो, ब्रांड बनाना है इसे, तो भाई आप लोग भी बना सकते हो, शेयर फॉलो और बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई मेहनत तो काफ़ी करते हैं हम सब लोग, बाकी तो भाई आपके हाथ में ही। तो भाई हमारा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस इतनी हमारी इल्तिजा है आपसे। और भाई देखते रहो, फुल वॉच करें आप, फुल वीडियो को वॉच करें, देखें उसे, देखेंगे तो ही हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो भैया हम तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, आने दो एक आध राइडर को, फिर निकलते हैं गाइस लेट्स गो। अरे कुलदीप भाई की हाल है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओ भाई साहब, भाई एम टी की ट्राई ले रहे हैं, अपना विली विली मार रहे हैं अपना मोनू भाई। भाई हम तो विली विली मारते नहीं, चारों चलो 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 खमान खमान। अरे भाई बस तो भाई ग्लव्स व्लव्स पहन लेते हैं यार और चलते हैं, सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, हम भी चलते हैं तैयार, ग्लव्स तो होने चाहिए भाई साहब। देखो कुछ टाइम बाद भाई है अयान की भी थोड़ा सा साथ में अगर रहता है तो भाई इसके लिए भी एक जैकेट और एक दो आइटम और लेनी पड़ेगी मुझे। चल लिए भाई पूरे का पूरा काफला, भाई जा रहे हैं हमारे जितने भी राइडर चूहे हैं सब चू चू करते हुए, हटर पटर करते हुए भाई। चलो 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 सिंगल वे रोड है भाई, और भाई ध्यान से चलाने में ही फायदा है। ओहो देखो भाई साहब अपने आगे राइडिंग जैकेट भी पहन रखी है बंदे ने, और होंडा की जो अपना बाइक होती है 110 सीसी वो चला रहा है बंदा। तो भाई सारे के सारे पेट्रोल ऐसे डलवा रहे हैं जैसे जो है सरकार ने फ्री कर दिया राइडरों के लिए, है ना। राइडरों के लिए फ्री नहीं है कुछ भी भाई, और रोक के पूछते हैं कि तेरे लाइसेंस कहाँ है, इतनी तेज चला घूरा है। तो भाई
सबके सबों ने पेट्रोल डलवा लिया है फ्री में, मतलब क्रेडिट डेबिट कार्ड से जैसे भी जिसकी। हाँ जी, अभी एक और दो भाई और लोग हैं जो हमारे अभी झंडे वालन पे वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं फटाफट से, देन उसके बाद अपना फ्लैग ऑफ करते हैं, सीधा एंबियंस मिलेंगे, नो स्टॉप ओवर और सीधा भगाते हुए, ठीक है। हाइपर राइडिंग होगी पर सेफ्टी सेफ सेफ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इन्हें समझा दो जरा, ये बहुत कट मारे, नो कटिंग, सीधी सीधी चलाओ, सीधी सीधी, वो दिखाएंगे, चलो चलो देखना है, सब देखते हैं। ओके, मैं भी मार दूं एक हाथ ऐसे। ओ भाई केटीएम वाले बस लाउड है भाई, लाउड है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है उसका। भाई साइड पहली बार चला रहा हूँ अपना ये बाइक, अब ऐसा साउंड अगर आएगा तो भाई तो फिर तो पुलिस वाला रोके गई भाई, हमने तो अपना टीवी किलर लगा रखा है ताकि पुलिस वाला कोई परेशान ना करे। साले कट मारने लगते हैं, भूल जाते हैं चाहे कितने ही समझा लो इन्हें के भाई कट मत मारना, लेकिन एमटी वाले ने कट मारा है अभी एकदम कट से। भाई इनके पास ही हूँ मैं, ऐसा नहीं है मुझसे ज़्यादा तेज चला रहे हैं, लेकिन दूरी बनाए रखता हूँ मैं ताकि आगे अगर ये पंगेबाजी कुछ ले मैं भाई कंट्रोल तो कर लूँ यार। बाकी आज ये थोड़ा सा इंसान की जून में चला रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। सिंगल रोड होता है तो भाई सब बहुत सोच समझ के चलानी पड़ती है बाइक। अस्सी चौरासी पिचासी नब्बे तो गाइस चली रही है, बाकी और राइडर अभी पीछे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे पीछे हूँ गाइस। सो गाइस आ गए हम यहाँ अपना झंडे वालान, और भाई सारे राइडर भी यहीं इकट्ठे हो गए, यहाँ से एम्बियंस जाएंगे। ओ भाई यार जे भाई आ गए अपनी फटफट करते हुए, भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 भाई भाई हट जाओ भाई हट जाओ। यार हमने आज तुम्हें फोन नहीं करा तो तुम उठी नहीं भाई। तो भाई एक बार हमने टीवी कलर निकाल लिया है अपनी बाइक का, और भाई सारे के सारे हो गए रेडी, सब चल दिए।
क्या। तो भाई साहब सब तरीके की बाइक है अपने पास, ये देखो ये सब अपने ग्रुप के बंदे हैं। अल्लाह अकबर। तो भाई चल रही है भाई एमटी वाले। बच्चा किसी का खौफ अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।